ये है अपना बिल्व रसायन, प्राकृतिक खेती शोध संस्थान नरसिंहपुर ने इसे पोटास की पूर्ति के लिए विकसित किया है। बेल में पोटास और मैग्नीशियम होता है, तो ये जो बिल्व रसायन है इसमें 20 लीटर पानी में लगभग 5 किलो बेल का गूदा, ये बेल दिखाई रहे हैं इन्होंने डाल दिया ऊपर से, और बेल का गूदा और 1 किलो गुड़ डाल देते हैं, तो 30 दिन में इसमें मीठी खुशबू आने लगती है। इसके बाद ये खेत में डाल दो तो पोटास डालने की जरूरत पड़ती नहीं है। राजेंद्र जी ने बताया बनाया इन्होंने लगभग 400 लीटर, आई बात करिए हमसे जी मैडम। और इसमें मैंने बिल के लगभग 5 किलो बीज बिल डाला, बिल की चटनी बना के, और इसमें गुड़ डाला 2 किलो गुड़ और 20 लीटर पानी, इसको सुरा दिया लगभग 10 से 15 दिन। उसके बाद 30 दिन। अभी देखिए मीठी खुशबू आ रही है आप सबको, आ रही है ना, इसको ही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम बोलते हैं। वो नीम को और मही को तो अपने बात सुन नहीं सके, नीम के बने वो एक अलग चीज है, और एक होता है वो सड़ा रस, वो मही और आंवला वाला, मही आंवला उसमें भी ऐसी खुशबू आती है, मही आंवले अपने सारे उत्पादों में खुशबू आएगी। कितना बढ़िया खुशबू आ रही है, अभी खराब नहीं हुआ इतने, और जो बहुत दिन का है, मैंने लगभग 250 लीटर बनाया था, इतना बचा उसमें 6 महीने हो गए होंगे। हाँ लगभग गन्ने में डाला इसको तो लगभग उस समय अप्रैल मई में बनाया होगा सर, अप्रैल मई में। तो 6 महीने कैसे टिकता है क्या? ये खराब नहीं होता, खराब नहीं, हाँ नहीं होता। उसमें और कुछ पानी नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो कहते हैं रहेगा, इसमें कीड़े नहीं आएंगे और खुशबू आएगी बढ़िया प्रॉपर। बाटलों में पैक करा के रख दिया जाए ना इसको? हाँ कई लोग पैक करके, छत्तीसगढ़ में तो क्या हुआ, पैक कर करके देने लगे 5-5 लीटर, वही जो डिस्टिल वाटर, हाँ उसी में बढ़िया, और गजब का रिजल्ट। आप तो सब्जियों के पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल दो, 100-100 ml, और फिर देखो उसमें। और नींबू में, हमने नींबू में डाला था बाबूजी, नींबू देखो अब इतना फरा है नींबू, नींबू बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। हमारा जबरदस्त उत्पाद है बिल्व रसायन, जबरदस्त।